हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं बंबू ग्रोव और ये एक न्यूली ओपन रेस्टोरेंट हुआ है यहाँ पर जामशोरो पुल से थोड़ा पहले। और अगर आप आते हैं कासिम चौक से जामशोरो की तरफ तो उसी रोड पर आपको ये मिल जाएगा। एक इंडस पेट्रोल पम्प है, ताज पेट्रोल पम्प, उसके बिल्कुल आगे आपको बंबू ग्रोव मिल जाएगा। यहाँ पर हम डिनर करने आए संगत के साथ, ईद वाले दिन, ईद का फर्स्ट डे है तो हमारा डिनर एक साथ होता है संगत का, सारे रिश्तेदारों का। जो लुकमान भाई, तो हवा भी काफी अच्छी चल रही है, पूरी सिंध की जो हवा चलती है ना, वादी मेहरान की मशहूर हवा है हैदराबाद की, वो हवाएं भी चल रही हैं। और अंदर जाएंगे, डिनर करेंगे, देखते हैं इनके पास क्या क्या आइटम्स हैं खाने के लिए और पूरा फूड एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये फूड ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग के लिए। हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आए हैं, संगत से भी मुलाकात कराएंगे, अंदर जाएंगे तो इस ब्लॉग को हम बाकायदा से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। बंबू ग्रोव द अल्टीमेट कुजीन, यहाँ पर आपको बोर्ड दिख जाएगा जामशोरो रोड पर। और इनके पास पार्किंग का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है और काफ़ी बड़ा मैदान है पार्किंग का यहाँ पर रेस्टोरेंट के साथ ही। आप आराम से गाड़ी पार्क करके, आपको कोई टेंशन नहीं होगी गाड़ी पार्क करके, अंदर जितनी देर बैठना चाहें, इंजॉय करना चाहें, यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। अभी हम अंदर जाते हैं और दिखाते हैं अंदर के मनाज़िर आपको। ये गेट है इनका BJ बंबू ग्रोव, और साथ ही ये रिसेप्शन है, यहाँ पर आप अपनी टेबल बुक कराएं। और ये देखें, बहुत ही अच्छी इन लोगों ने वाटरफॉल लगाया हुआ है बंबू ग्रोव, और वाटरफॉल पर ये देखें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा है और ये लोग पानी के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल इन्होंने यहाँ पर मेन एंट्रेंस गेट पर वाटरफॉल जो है बंबू ग्रोव कर लगाया हुआ है। तो अंदर आ चुके हैं लुकमान भाई, अंदर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है मुझे बैठने के लिए, और हमारी संगत यहाँ बैठी हुई है, लोगों ने ऑर्डर दे दिया है। बाबा संगत ऑर्डर दे दिया क्या? क्या दिया है ऑर्डर? ऑर्डर क्या दिया है? क्या तू सो रहा है क्या भाई? मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। हम संगत को अभी जगाने आए, उठ जा, शिकिल काली आ रही है, मुंह तो धो के आया कर। क्या हाल है खालिद भाई? हाथ तो बुला ले। और फदा आ रहा है बब्बू, बब्बू ग्रुप में यार नया खुला है ना, देखते हैं अंदर क्या है। बाकी तो आइए अभी हम एक्सप्लोर करते हैं इनका किचन कॉर्नर, और सबसे पहले ये है इनका बारबेक्यू कॉर्नर। न्यारी बोटी है, अफगानी बोटी है यार, वाह भाई वाह। ये देखें भाई, यहाँ पे फ्रेश फ्रेश बारबेक्यू बन रहा है। और इधर जो है सज्जी बन रही है टंडो आदम की सज्जी, जो सज्जी के शौकीन है उनके लिए जो है ये सज्जी कॉर्नर भी है यहाँ पर। यहाँ पर मछली भी है, फिश भी है भाई। ये देखें, ये पल्ला मछली है और रोहू मछली है इनके पास, फ्रेश फ्रेश इन्होंने फिश भी रखी है, फिश कॉर्नर है। और साथ में ये इनका किचन है जहाँ पर कढ़ाइयाँ बन रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, और बाकी हम देखते हैं इनके पास कौन कौन सी कढ़ाइयाँ हैं। भाई कौन सी कढ़ाई बना रहे हो? चिकन है, बीफ है, चिकन है, मटन का है यार, मटन दिखाओ, हमने मटन मंगवाई है, मटन की। वाह भाई वाह, ये देखें ये बन रही है मटन कढ़ाई, हमने ही मंगवाई है। और ये चिकन है, और ये पूरा इनका सेटअप है यहाँ पे। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपका? इनायतुल्ला। इनायत भाई, ये कब से आप बना रहे हैं आप फिश वगैरह? जो सर हमारी आज ही ओपनिंग हुई है। आज ही ओपनिंग, आज ही ओपनिंग है माशाल्लाह। वैसे सर इसको 10 साल की है। फर्स्ट टाइम आज, फर्स्ट डे हम लोग आए हैं ओपनिंग पे इनकी बंबू ग्रुप, और इनके बाद में देख रहा हूँ काफी अच्छे अच्छे आइटम्स हैं। और फिश में क्या क्या है आपके पास? फिश में सर हमारे पास पल्ला मछली है, पल्ला और राहू, राहू है जी। पल्ला मछली एक गाना मशहूर हुआ था, सिद्धू किनारे पल्ला मछली, तो वही है, वही काफी लोग इस हिसाब से भी पल्ला खाने आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम लोग भी जो है आज ईद के दिन रिश्तेदार अगर आए सब संगत एक साथ, अपने जो है कढ़ाई आपकी मंगवाई है बीफ की, और कुछ बारबेक्यू मंगवाया वो ट्राई करते हैं। फिश इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, वो भी ट्राई करेंगे। इनके पास ये चाइनीज आइटम भी है, चाइनीज में क्या क्या आइटम होता है भाई? फिश है, फिंगर फिश है, और
जलप्रेदी होता है, चौमिन होता है, ये सब आइटम है। माशाल्लाह ये भाई देखें फ्रेश फ्रेश चाइनीज वेजिटेबल राइस जो है मिक्स कर रहे हैं और फ्रेश फ्रेश बनता है यहाँ पे। ये देखें सारे आइटम्स इनके रेडी हैं। ये देखें ये कोई ये कौन सा डिश है मेरी, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और फ्रेश लग रहे हैं। और ये भाई जो है फ्रेश फ्रेश रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर माहौल काफी अच्छा है और काफी मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ उनके किचन को देखकर। ये चिकन की बना रहे हैं, ये चिकन है, ये देखें भाई ये चिकन है। चिकन कढ़ाई जो है मस्त जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दिए भाई ने और ये मेरे ख्याल से रेडी हो गए, रेडी हो गई है। ये देखें ये बीफ है, मटन है, ये मटन है, ये मटन कढ़ाई है फ्रेश फ्रेश यहाँ पर बन रही है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी जो है इन लोगों का निज़ाम काफ़ी अच्छा है, सफाई का निज़ाम काफ़ी अच्छा है। इनके इंग्रेडिएंट्स प्योर इंग्रेडिएंट्स ये लोग डाल रहे हैं। मेरे सामने ये बन रहा है सारी चीज़ें, हमने भी जो है मटन कढ़ाई ऑर्डर की है। ये देखें और इधर ये देखें जो ऑयल है इनका बिल्कुल ही फ्रेश और प्योर ऑयल है, जो ऑथेंटिक ऑयल होता है वो ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी इनके पास फ्रेश फ्रेश हैं, ये अभी जो है रेडी टू, जैसे ही आप ऑर्डर देंगे आपका ऑर्डर जो है बनना शुरू हो जाएगा और फिर वो फ्रेश फ्रेश जो यहाँ पर सर्व होता है ना, फ्रेश फ्रेश खाने का ही मज़ा है। और ये कढ़ाइयाँ जो भी आइटम्स हैं इनके फ्रेश फ्रेश आप खाएँ तो तभी आप इस फूड को इंजॉय कर सकेंगे। तो एक बार फिर हम आ गए और यहाँ पर ये टिक्का बन रहा है। ये कौन सा टिक्का है भाई? ये नमकीन टिक्का है। नमकीन टिक्का है, अच्छा टिक्कों की भी वैरायटी है यानी के टिक्का। और भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, चले आप जो है आपका बता रहे थे कोई चैनल वगैरह है यूट्यूब पर? जी जी माशाल्लाह विलेज के नाम से। माशाल्लाह विलेज फूड के नाम से, विलेज फूड, तो विलेज फूड के व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं आप? जी जी। चले और शेफ भी है माशाल्लाह से, यहाँ पर ये बारबेक्यू आइटम्स रेडी करते हैं। तो थैंक यू भाई, इंशाल्लाह हमारे व्यूअर जो है आपके ये देखेंगे आइटम्स और आपका फूड व्लॉग भी देखेंगे जो विलेज फूड। ओके सर, थैंक यू, चले ओके। हमारा ये खाना का चल रहा है ना, अभी कढ़ाई की बात करो, क्या मंगवाया तुमने? मजरूर कढ़ाई मंगवाई है, कढ़ाई कढ़ाई और क्या क्या मंगवाया? एक बकरे की कढ़ाई मंगवाई है, हाँ उसके अलावा एक हमने शिंगवारी मंगवाई है, एक इनकी अपनी मशहूर है बीजी बम्बू कढ़ाई, बम्बू कढ़ाई, बम्बू कढ़ाई वो बीफ है मटन है? नहीं वो भी मटन है, वो भी मंगवाई है। वाह यार वाह, मैं तो अभी बना के आया हूँ, मुझे जो है बहुत अच्छा लगा है जो है। अभी इनका सेटअप भी बहुत अच्छा है, देखिए ना इधर फैमिली हाल है और इधर छड़ा हाल है, इधर सारा छड़ा हाल है, छड़े बैठे हुए हैं और काफी अच्छा माहौल है। लगवा में सलाद खाया नहीं? हाँ खालिद भाई उधर देख रहे हैं कि हमारा खाना तो नहीं आ रहा। आ गया भाई, आ गया, आ गया, ये देखे कोई सर्विस है, ये अभी नान आए और कढ़ाई भी आ गई है भाई, ये देखो ये फ्रेश फ्रेश नान आ गए और अभी ये मटन कढ़ाई। यार थक भाई आ जाओ, बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। ये मुझे तो दो प्लेट यार, प्लेट खोलने वाले
ये देखें भाई मस्त जो है इसमें से खुशबू आ रही है और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश मटन जो है मिल गया है। और ये भी है, पहले वो टेस्ट करते हैं फिर ये वाली टेस्ट करते हैं। और ये शिनवारी है और ये इनकी मशहूर है पीजी, और इसको हम ट्राई करते हैं। पहले वो खा लेते हैं ना, मसला नहीं है यार सजाद भाई, अब टेंशन नहीं लिया करो। तही में नहीं, बस प्लेट में निकाल के खाओ, प्लेट में निकाल के खा ले। साकिब भाई आराम से खा लो, ले लो आराम से, आराम से आराम से खा लो, तुम्हें सब मिलेगा सजाद भाई, कोई कोई ऐसा नहीं जाएगा खाली यार, ठीक है आराम से खा लो, ठीक है तुम भी खा लो। हमने दो कढ़ाइयाँ मंगवाई है, एक शेनवारी और एक जो है इनकी बटन जो है स्पेशल जो है बम्बू ग्रुप यानी कि बीजे ग्रुप कढ़ाई, और वो भी है, दोनों है, बाकी खाते हैं टेस्ट करके बताते हैं आपको। तो भाई नान के साथ हम फ्रेश फ्रेश खाते हैं इनकी बम्बू। भाई गर्म है बहुत ही, आई है सही है, अच्छा है टेस्ट। बाकी भाई आपको बहुत मंड देखा रहे हो, टेस्ट कैसा लग रहा है? हाँ ये भी है, खाना खा लो, चेतार मानी खा देगा, खाना भी खा लेंगे। आप किसी लड़की के साथ सेटिंग करो, आपकी हर हाइट में डिमांड। कुछ बोल रहे थे, माइक मेरा इधर है, बोला आप किसी लड़की के साथ सेटिंग करो, माइक मेरा इधर है, आपकी सारी वीडियो वायरल होगी लड़की के साथ सेटिंग। तो लुकमान भाई मजा आया? हाँ क्या बेहतरीन, क्या लगा आपको? तो ये इनकी एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी है, नया खुला है, हवादार है, दरिया किनारे सिंधु दरिया, मछली भी है इनके पास, पहले पता होता हम मछली मंगवा लेते, मछली पला खिलाए तुम्हें। ये देखे भाई नया नया बहुत टोपी सेट क्या है यार, तू भी क्या यार तू भी, ये अजा तो आज, हाँ भाई क्या तो दे भाई, भाई तू बता अपने बारे में, यार का तो अच्छी नहीं कर, ये ब्लॉग इंटरनेशनल जा रहा है हमारा, यहाँ खाना खाया है तो मच्छियाँ बहुत है, बहुत है, मैंने तो छालिया मुंह में डाल दी है, सही है, मिर्चियाँ बहुत है, मिर्चियाँ और सालन कम था ही नहीं, बस भुट्टियाँ और ये बस। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, कढ़ाई में भी चीनी डाल के तो भाई, तो थोड़ा है शिकायत है इनको, जल्दी बोले, इतना व्लॉग में बड़ा नहीं बनाता, इसको तुम खींचे जा रहे हो, जल्दी करो भाई, खाना जो है ना खाया और वॉशरूम भी गया, तो मुझे भी तो बोलो वॉशरूम भी इस्तेमाल किया, मिर्चियाँ थी और वॉशरूम भी बोला इस्तेमाल किया तुमने, मुंह मेरा जो यार मशरूम भाई तुम बता दो एनवायरनमेंट कैसा है, हाँ बस सही है, ठीक है डिनर कर लिया है, अभी निकलते हैं अपने अपने घर, और ये पिक्चर निकलवा रहे हैं मसरूर भाई और सज्जाद भाई, तो हमें जाए थे थोका मुँह करके बैठे होते हैं, क्या तुम स्टार हो ना यार, तुम ही तो हो, और ये हाँ लगवान भाई उस्ताद नहीं स्टार, स्टार 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 बिल्कुल बिल्कुल सही, चलो यार मजा आ गया आज, गेट टुगेदर हो गए यार लगवान भाई, अच्छा हो गया, मजा आ गया, फुल एंजॉय। बम्बू ग्रू ये न्यूली ओपन है, नया नया ओपन हुआ है और इसकी आज ही ओपनिंग हुई है,
और आज हमारा शायद फर्स्ट व्लॉग बन रहा होगा यहाँ पर, ये वादिया सिंध का बंबू ग्रुप। चले रुकवान भाई अपने अपनी गाड़ियां पकड़े। ये रोड भी अच्छा है, रौनक लगी है। ये साकुब भाई, चलो साकुब भाई निकलते हैं। तो अभी प्रोग्राम बन रहा है हमारा, कोई फालूदा है, मसरू भाई बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा होता है वो फालूदा खाने चलते हैं। ये कहाँ पे होता है मसरू भाई? हैदर चौक पे भाई, हैदर चौक पे देखते हैं, चलते हैं यार साकुब भाई। हैदर चौक की तरफ ले ला गाड़ी थोड़ा, हैदर चौक की तरफ चलो। हैदर चौक भी हैदराबाद का मशहूर इलाका है और वहाँ पर जो है, वहाँ पर मशहूर वहाँ का कोई फालूदा है, वो मसरूर भाई बता रहे हैं और वो लेकर जा रहे हैं हमें। बोल रहे हैं कि चलो भाई हमने गरम गरम कढ़ाई खाई है, तो अभी हम फालूदा खाएंगे, थोड़ा पेट जो है ठंडा हो जाएगा, गर्मी भी है तो फालूदा अच्छा रहेगा। हम लोग तो पहुँच गए फालूदा हाउस पे, लेकिन ये अभी आ गए अहमद भाई यार, भाई बहुत बहुत शुक्रिया फालूदा की तरफ से, भाई फालूदा सजाद भाई की तरफ से। अरे खाटो तो जी हम पहुंच गए हैं जायका मेहरान फालूदा, इनके पास रबड़ी और फालूदा होता है, जो कि इनका फालूदा काफ़ी मशहूर है। मैं देख रहा हूं काफ़ी रश लगी हुई है, ईद के दिन भी लोग आए हुए हैं दूर दूर से यहां पर। ये देखें फ्रेश फ्रेश फालूदा बन रहा है और इनका जो है इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल प्योर और अच्छे होते हैं और काफ़ी जो है ये लोग ऑथेंटिक फालूदा बनाते हैं इसलिए, और रेट भी काफ़ी जो है इनके मुनासिब है, इतने ज़्यादा हैवी रेट नहीं है कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सके, बहुत ही मुनासिब रेट पर आपको ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला फालूदा है। पर आ गए फालूदा भाई, स्पेशल फालूदा है, ये स्पेशल है ना, बाधा तो नहीं है ना, बिल्कुल स्पेशल है यार। अपने नाम तो बता दो, क्या नाम है? जायका मेहरान फालूदा, जायका मेहरान फालूदा, जायका फालूदा है स्पेशल। और ये देखे भले बाबा खजू, भले भले अभी फालूदा खा, बाद में खाइए तुम। अबे यार मेरा चल रहा है, इधर तक लड़ाई कर रहा है भाई। भाई यार ये स्पेशल है, ये खाना है, चलो स्पेशल है भाई यार। जायका देखा देखा, ये अहमद भाई कहानी बता रहे, कितनी 25 साल पुरानी ये इनकी, ये जायका की फालूदा यहाँ से चल रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बस बस भर लिया, अभी एंड हो रहा है विलाग। फालूदा बहुत मजेगा था मसरूर भाई, ये भाई को बोलते हैं भाई यार बहुत मजेगा फालूदा था, ये सज्जाद साग अभी तक खा रहे हैं, मजा आया, एंजॉय किया। बहुत जी तो व्यूअर्स आज हम गए बंबू ग्रुप और हम सबने संगत ने डिनर की वहां पे बहुत एंजॉय किया, मजा आया। और फिर हम वहां से गए फालूदा खाने जो है हैदर चौक पर, वहां भी काफी रश था और वहां पे फालूदा उनका बहुत ही अच्छा था, जो हमने गरम गरम कढ़ाई खाई, वो सारे मसाले जो फंस गए थे वो फिर फालूदे से नीचे उतर गए और काफी मजा आया और काफी एंजॉय किया ईद के दिन को। उम्मीद है इस वीडियो व्लॉग को आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा और इस वीडियो को अगर आपको आपने लाइक किया है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।